हेलो फ्रेंड, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में दो ऐसे फोन के बारे में जो मार्केट में काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि हमें ये फोन लेना चाहिए या फिर ये फोन लेना चाहिए। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ रियलमी 6 के बारे में और पोको M2 प्रो के बारे में। तो गाइस, कंपैरिजन कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर हमें पता चल सके कि ये फोन हमारे लिए इस चीज के लिए बेटर है, ये फोन हमारे लिए कैमरा के लिए बेटर है, ये फोन हमारे लिए इन सारे चीजों के लिए बेटर है, गेमिंग के लिए बेटर है। तो उसी कंपैरिजन के हिसाब से मैं बात करने वाला हूँ। फोन में काफी चीज सिमिलर है, मैं उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूँ। तो अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं रियलमी 6 के डिस्प्ले के बारे में, 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS LED डिस्प्ले के साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पोको M2 Pro के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे 6.67 इंच की डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है हमें IPS LED पैनल के साथ, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि Realme से काफी बेटर है क्योंकि वहां पे 3 का हमें देखने के लिए मिल रही है। एंड अगर अब रिफ्रेश रेट की बात कर ले तो यहाँ पर अब Realme 6 को एक बिग थम्स अप है क्योंकि इस रेंज में 90Hz का रिफ्रेश रेट के साथ उन्होंने इस फोन को निकाला है। लेकिन अगर इसके बाद हम M2 Pro की बात कर ले तो थोड़ा सा कम वहां पे देखने के लिए मिलता है, 60Hz का रिफ्रेश रेट। तो एक चीज में ये फोन बेटर है और एक चीज में ये फोन बेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर कैमरे की बात करूँ तो कैमरा परफॉर्मेंस में लगभग दोनों सेम है, लेकिन अगर हम दोनों की प्राइमरी कैमरे की बात करें तो यहाँ पे एक में आपको 64 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाते हैं और M2 Pro में आपको 48 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाती है। और अगर मेगापिक्सल्स के ऊपर नहीं जाना गाइस, यहाँ पर मेन मैटर करता है कि फोटो कैसी आ रही है। तो फोटो की अगर मैं बात करूँ तो M2 Pro में कहीं ना कहीं थोड़ा सैचुरेटेड फोटो हमें देखने के लिए मिलता है, उसी जगह पर अगर हम लोग Realme 6 की फोटो की बात करें तो वहाँ पर रियलिस्टिक फोटो देखने के लिए मिलते हैं। तो फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों में पंच होल कैमरा देखने के लिए मिलता है और दोनों ही 60 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम Realme 6 की बात कर लें तो Realme 6 में आपको नाइट मूड में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है और M2 Pro में यहाँ पर थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगी। मेरे में Realme 6 यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस करने वाले, तो कैमरा क्वालिटी के लिए ये फ़ोन यहाँ पर बेटर रहने वाला है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोनों ही फोन का बिल्ड क्वालिटी डिजाइन के बारे में। तो Realme 6 में आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक देखने के लिए मिलता है, ग्लास बैक देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे कोई सा भी गोरिल्ला ग्लास फिनिशिंग नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें M2 Pro के बारे में तो यहाँ पे हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन यहाँ पर भी देखने के लिए मिलती है। मीन्स बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पे अभी भी टॉप में चल रहा है M2 Pro, मीन्स अगर बिल्ड क्वालिटी देखना है तो M2 Pro यहाँ पर बेटर रहने वाला है। फाइनली अब हम उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिससे हमारा गेमिंग डिसाइड हो कि किस फोन में हमें गेमिंग बेटर देखने के लिए मिलने वाला है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोसेसर के बारे में। तो अगर हम दोनों प्रोसेसर की बात करें तो दोनों ही एक तगड़ा प्रोसेसर इस प्राइस रेंज में। Realme 6 के प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर MediaTek का G90T प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस करता है गेमिंग के टाइम पे और पबजी जैसे गेमिंग को एक बहुत ही अच्छे स्मूथली यहाँ पे खेला सकता है। वैसे पोको M2 Pro में भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत ही लैग देखने के लिए मिलेगा या फिर ऐसा कुछ, फिर भी यहाँ पर Realme 6 यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है। पोको M2 Pro में हमें 720G का प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। दोनों ही फोन में हमें Android 10 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा और दोनों में कस्टमाइज्ड UI खुद के कंपनी जो है वो अपने खुद के डाल के रखे हुए हैं। और अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा एक सिक्योरिटी इशू के बारे में, क्योंकि गाइस तुम जैसे जान रहे हो दोनों फोन चाइनीज ही है और अभी चाइना को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है इंडिया कि वहाँ का कोई भी प्रोडक्ट या फिर वहाँ का कोई ऐप को भी नहीं यूज करना है और काफ़ी सारे ऐप्स को बैन भी कर दिया गया। तो कुछ ऐप्स को बैन करने के बाद भी हमें दोनों फोन में कुछ कुछ ऐप देखने के लिए मिल जा रहे हैं। और अगर उसके बारे में मैं बात करूँ तो कंपनी ने ये बताया, मेरे पास नोटिस आने से पहले ही ये कुछ फोन मैन्युफैक्चर हो चुके थे जिसके कारण कुछ कुछ फोन में हमें वो ऐप्स देखने के लिए मिल रहा है। जैसे ही उनके अपडेट आएंगे, अपडेट आने के बाद सारे ऐप्स को वहां से डिलीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कि अगर तुम ये दोनों में कोई सा भी फोन ले रहे हो तो तुम वहां पे वो सारे ऐप्स को डिजेबल करके रख सकते हो, जिसके कारण क्या होगा, वो तुम्हारा कोई सा भी डेटा वहां पे लीक नहीं होने देगा, कोई सा भी डेटा ले नहीं सकेगा। एंड उसके बाद तुम जब अपडेट आ जाएगा तो अपडेट आने के बाद वैसे भी पूरा फोन क्लियर कट खाली हो जाने वाला है इंडियन फोन के जैसा, तुम आराम से तुम उस फोन को यूज कर सकते हो। गाइस अब यहाँ पे बैटरी की बात कर ले तो बैटरी के लिए यहाँ पे पोको M2 Pro को यहाँ पे मैं बिग थम्स अप देने वाला हूँ, क्योंकि पोको M2 Pro ने 5000mAh बैटरी तो दी है, साथ ही साथ 33W की चार्जिंग दी है जो कि 33W का यहाँ पे चार्जर प्रोवाइड कर रहा है। और
काफी जल्दी फास्ट चार्जिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब Realme 6 की बात करें तो यहाँ पे 4300 mAh की बैटरी Realme 6 में देखने के लिए मिलती, वो भी 30 वाट के चार्जिंग के साथ। मींस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस में ही यहाँ पे तुम डिसाइड कर पाओगे कि तुम्हें कौन सा फोन लेना है बैटरी परफॉर्मेंस के लिए। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो Realme 6 में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी 14,999 का प्राइस, एंड उसी जगह पे Poco M2 Pro 1,000 कम है, 3,999 का प्राइस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब मेन मैटर, हम लोग सबसे मेन जगह पे आ जाते हैं कि हमें फ़ोन कौन सा लेना चाहिए, हमें कौन सा प्रेफर करना चाहिए फ़ोन। तो M2 Pro और Realme 6 अगर नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए तो कोई सभी डिफरेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर तुम बिल्ड क्वालिटी तुम्हारे लिए मैटर करता है, तो बैटरी परफॉर्मेंस भी अगर तुम्हें मैटर करता है, तो तुम्हारे लिए M2 Pro बहुत ही सही रहेगा। और लेकिन जहां अगर तुम आ जाते हो कि नहीं हमें थोड़ा सा गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ा सा कैमरा के लिए चाहिए, और थोड़ा सा मतलब थोड़ा और बेटर चाहिए, तो उस जगह पे हम 1000 और डाल के और यहाँ पर हम Realme 6 ले सकते हैं, क्योंकि बैटरी थोड़ा सा कम जरूर मिल रही है, लेकिन यहाँ पे हमें जो प्रोसेसर है और जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है ये काफ़ी सही यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो गेमिंग के लिए मैं बोलूँगा कि Realme 6 लो, अगर नॉर्मल यूजेज चाहिए तो Poco M2 Pro लो, ये भी काफ़ी बेटर फ़ोन है यहाँ पे। देन गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पे कौन सा फ़ोन परचेज करना चाहिए। और अगर ये वाला वीडियो पसंद आता है तो तुम्हें गाइस ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही था। देन अब मिलता हूँ मैं इस चैनल के नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।